क्रिकेट में फिक्सिंग होती है नहीं होती है, जांच जारी है, लेकिन बीसीसीआई में फिक्सिंग होती है साबित हो गया कल की बैठक में। कहते हैं टीम में एक लीडर होता है, बाकी सब फॉलोअर होते हैं, लेकिन बीसीसीआई एक ऐसी टीम है जहां एक डिक्टेटर है, एक तानाशाह और बाकी सब खिलाड़ी हैं, जिनके होने और न होने का कोई मतलब नहीं। आइए देखते हैं चेन्नई में हुई बोर्ड की आपात बैठक में श्रीनिवासन ने कैसे और किस बेशर्मी से अपनी कुर्सी बचाई। वक्त दोपहर के 2:30 बजे, चेन्नई का शेरेटन होटल। इस होटल के अंदर तो जैसे भारतीय क्रिकेट का वर्तमान और भविष्य दोनों ही कैद हो गए थे। अरुण जेटली, अनुराग ठाकुर और राजीव शुक्ला दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चेन्नई से जुड़ गए। दोपहर के 2:30 बजे जब मीटिंग शुरू हुई तो एन श्रीनिवासन के विकल्प के तौर पर 4 नाम सामने आ रहे थे। जगमोहन डालमिया, शशांक मनोहर, शिवलाल यादव और अरुण जेटली। बैठक जब शुरू हुई तो अरुण जेटली ने फिलहाल अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर दिया। साउथ जोन से शिवलाल यादव के नाम पर कोई सहमति बनती नहीं दिखी, तो अब मुकाबला था जगमोहन डालमिया और शशांक मनोहर के बीच। श्रीनिवासन ने मनोहर का विरोध इस तर्क के साथ किया कि बोर्ड के बाहर का कोई शख्स अंदर नहीं आना चाहिए। श्रीनिवासन ने एक बार फिर दोहराया कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, हाँ वो अपनी जिम्मेदारियों को फिलहाल छोड़ने के लिए तैयार थे। दोपहर 3 बजे बात बनते बिगड़ते एक और नाम उछला, निरंजन शाह, जिनके नाम पर श्रीनिवासन को ज्यादा आपत्ति नहीं थी। मीटिंग के अंदर हंगामा होता रहा और खबरें छन छन कर बाहर आती रही। इस बीच बोर्ड ने संजय जगदाले और शिर्के को अपने पद पर बने रहने की अपील की। शाम 4:30 बजे बाहर इंकलाब जिंदाबाद, लेकिन मीटिंग में घुसते ही टाए टाए फिस। बातें तो सबने बहुत बड़ी बड़ी की थी, लेकिन कर कोई कुछ नहीं पाया। एन श्रीनिवासन ग्राउंड से जरूर बाहर हुए, लेकिन स्टेडियम से नहीं और पर्दे के पीछे से अपना खेल जारी रखेंगे। आखिरकार श्रीनिवासन अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे, कोई अंतरिम अध्यक्ष नहीं बना। आज जगमोहन डालमिया वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन बन गए, यानी श्रीनिवासन अध्यक्ष तो बने रहेंगे, लेकिन कोई भी फैसला अब वर्किंग कमेटी ही करेगी। कुछ ऐसी ही बातें अब तक श्रीनिवासन करते आ रहे थे। ना तो बीसीसीआई अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दिया और एक ऐसे आदमी को वर्किंग ग्रुप का अध्यक्ष बना दिया जो अध्यक्ष का साथी है, एक अच्छा दोस्त है। चेन्नई से अतीत शर्मा और दिल्ली से विक्रांत गुप्ता के साथ समीप राजगुरु, दिल्ली आज तक।